अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही यूनिक तरीके की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी गुजराती स्टाइल में। इस रेसिपी में कच्चे राइस भी रहेंगे, कच्चे मटन भी रहेंगे, और जो हमारी बिरयानी ना बहुत ही ज़्यादा चटपटी, स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब है। इसका जो कलर है बहुत ही शानदार है, और बनाने का तरीका भी बहुत ही अलग है, खाने का जायका भी बहुत ही जायकेदार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वेलकम टू माई चैनल फिजोशन में आपको स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गुजराती स्टाइल में मटन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक तपेली ली थी, और 1 किलो इसमें मटन अच्छे से वॉश करके सबसे पहले मटन डाल देंगे, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भर कर डालेंगे। इसी के साथ में हमने यहाँ पर हरी मिर्च को पीस कर डाला है, इसी के साथ में हमने धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसी के साथ में यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ में हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर देंगे, और इसी के साथ में इसे हम बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। अब स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च आप कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इन सारी चीज़ों को सबसे पहले चम्मच की मदद से इस तरीके से चला लेंगे। अब यहाँ पर हमने खड़े मसाले में सब मसाले लिए हैं, लौंग और इलायची, काली मिर्च, बड़े इलायची, स्टार फूल, सारे मसाले डाल देंगे, और ये हरी मिर्च भी आप डंखल के साथ पूरे डाल देंगे। यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करके रखा था पहले से, और प्याज को इस तरीके से हाथों से मैश करके चूरा कर डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिलाकर साइड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने एक बाउल रखा है, सबसे पहले इसमें 100 ग्राम दही ऐड कर देंगे, और इसको सबसे पहले अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे यहाँ पर जावित्री और जायफल का पेस्ट। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जायफल लीजिएगा, थोड़ी सी जावित्री, उसको पूरी तरीके से बारीक कर लीजिएगा, पहले भिगो कर रख देंगे तो पूरी तरीके से बारीक हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे सोया सॉस, 2 चम्मच डालेंगे, 1 किलो मटन, 1 किलो राइस के हिसाब से 2 2 चम्मच डालेंगे। इसी के साथ में डालेंगे सॉस, यहाँ पर 2 चम्मच भर कर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा नहीं डालना, भर भर कर 2 चम्मच डालना है, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम केसर डालेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केसर कलर वाला लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे ना, सीधे इसको मटन में ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको कितनी आसानी से बनाकर तैयार करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें यहाँ पर 1 नींबू इस तरीके से कटिंग करके डाल देंगे। अब यहाँ पर पानी हमने गर्म कर लिया था जीरा डालकर, और जीरे वाला पानी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें राइस भी इसमें कच्चे ऐड करने हैं, तो पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम सेले राइस ऐड करेंगे इसलिए। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, इसमें हम अमूल की फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो दूध की मलाई होती है ना, फ्रेश मलाई, उसको ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर मिला लिया है, अब इसमें हम राइस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सेले राइस यूज़ कर रहे हैं, और सेले राइस को आप क्या कर सकते हैं, 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर अच्छे से रख दीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको पूरे में डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा राइस यहाँ पर बचा लेंगे। ऊपर की लेयर हम यहाँ पर 80% राइस को बॉईल करके लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तपेली रखी है, इसमें पानी में सिर्फ हमने नमक डाला है, और नमक डाल के पानी में हमने क्या किया, पानी गर्म हो गया तो राइस को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम राइस को बॉईल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें राइस को पूरी तरीके से बॉईल नहीं करना है, 80% बॉईल करना है। तो 80% हमारे राइस बॉईल हो चुके, ऊपर से एक लेयर इस तरीके से हम लगाएंगे, इससे क्या होता है हमारे राइस जो है ऊपर से पूरी तरीके से पक जाएंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर तेल, ये वही तेल है जिससे हमने प्याज को ब्राउन किया था। इसी के साथ में हम यहाँ पर जो केसर है कलर वाला, उसको ऐड करेंगे, आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे ना, इसको सिल्वर पेपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास सिल्वर पेपर है तो आप क्या कर सकते हैं, आटे को साइड से लगा दीजिएगा, गीले आटे को, और फिर उसको कवर कर दीजिएगा। अभी से हम रखेंगे एकदम लो फ्लेम पे 1.5 घंटे के लिए, करीबन 1 घंटे 20 मिनट के लिए रखेंगे, और 10 मिनट के लिए इसमें हम डेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट हो चुके थे, 10 मिनट के लिए यहाँ पर हमने छोड़ दिया था सेट होने के लिए। तो करीबन इसको 1.5 घंटे हो चुके, और 1.5 घंटे बाद जो हमारी बिरयानी है ये पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है खाने के लिए। अभी इसमें पूरी तरीके से हम सर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी गुजराती स्टाइल में मटन बिरयानी की रेसिपी है ये तैयार हो चुकी है। इसके जो राइस है ये पूरी तरीके से खिले खिले हैं, और पूरी तरीके से कलरफुल हैं, और खाने में इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी है। इसके जो मटन है ये भी पूरी तरीके से पीसेस पके हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताना कि हमारे मटन बिरयानी गुजराती स्टाइल में आपको कैसे लगे हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।